जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपका हमारी भक्ति और भाग्य चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस साल 2024 में शारदीय नवरात्रि कब है। जाने इस बार कब है अक्टूबर में नवरात्रि, इसकी सही डेट और कलश स्थापना मुहूर्त क्या होगा। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में शारदीय नवरात्रि का पर्व अक्टूबर में कब से कब तक शुरू हो रहा है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना विधि महत्व, और साथ ही जानेंगे इस बार अष्टमी, नवमी और दशहरा किस दिन मनाया जाएगा, किस तरह कन्याओं का पूजन किया जाएगा और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब होगा। शास्त्रों के अनुसार साल में आने वाली चारों नवरात्रि में चैत्र और शारदीय नवरात्रि खास मानी जाती है। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि अश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होती है। नवरात्रि के ये 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों को समर्पित है। अष्टमी नवमी के दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है, उसके बाद व्रत का पारण कर दशहरा मनाया जाता है। आइए जानते हैं साल 2024 में शारदीय नवरात्रि कब से कब तक है। कलश या घट स्थापना मुहूर्त, कलश स्थापना विधि महत्व, नवमी और दशहरा कब मनाया जाएगा और किस तरह कन्याओं का पूजन किया जाएगा। शारदीय नवरात्रि शुभ मुहूर्त 2024। साल 2024 में शारदीय नवरात्रि का पर्व 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर शनिवार तक चलेगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 3 अक्टूबर प्रातःकाल से 2:18 पर होगी। प्रतिपदा तिथि समाप्त 4 अक्टूबर प्रातःकाल 2:58 पर खत्म होगी। घट स्थापना मुहूर्त 3 अक्टूबर प्रातःकाल 6:15 से दोपहर 7:22 तक होगा। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त प्रातःकाल 11:46 से दोपहर 12:33 तक होगा। दुर्गा अष्टमी 10 अक्टूबर 2024, महानवमी 11 अक्टूबर 2024 तक होगी और दशहरा दसवीं तिथि 12 अक्टूबर 2024 तक होगी। नवरात्रि में कलश स्थापना विधि किस तरह की जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना की जाती है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश या घट स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के बर्तन में सप्त धान्य बो लें। अब उसमें जल से भरा हुआ एक कलश मिट्टी का कलश रखें। कलश में रोली से स्वास्तिक बना लें। कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांधकर उसे सप्त धान्य वाले पात्र के ऊपर रख दें। कलश में अशोक या आम के पत्ते रखकर उसमें एक सिक्का ब ध्रुव डाल दें। इसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित कर दें। कलश स्थापना के बाद 9 दिनों तक माँ के 9 रूपों की विधिवत पूजा करनी चाहिए और कन्याओं का भी पूजन करना चाहिए। शास्त्रों में शारदीय नवरात्रि को धर्म के अधर्म पर, सत्य के असत्य पर जीत का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि में पूरे 9 दिनों के लिए माता दुर्गा धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की विशेष उपासना करने और अखंड ज्योति प्रज्वलित करने से साधक को सुख समृद्धि, धन धान्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी भक्ति और भाग्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी।